क्वेश्चंस 5, 9.5 का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ अलग करना चाहें, अलग हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि एक्स वाई डिफरेंट डिफरेंस नहीं हुए। तो एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड किया तो क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस 2 वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। वेरिएबल्स होमोजेनियस बन गए। होमोजेनियस इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, सपोज लेट v इक्वल टू y अपॉन एक्स, मीन्स y इक्वल टू वी एक्स। इसका हम डिफरेंशियल्स लिखते हैं, क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिक्वेस्ट में लिख रहे v प्लस एक्स अपॉन x डी बी अपॉन डी एक्स। इन दोनों की वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करते हैं इक्वेशन वन में। डी वाई डी एक्स एंड वी की, तो क्या कि वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी। वी से वी कैंसिल, क्या आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी बी अपॉन 1 माइनस 2 वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिए तो क्या गया 1/2 इंटीग्रेशन डी बी अपॉन 1/√2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इंटीग्रेशंस डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें अपन क्या लिख रहे हैं 1/a² - v² ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं डी एक्स अपॉन रूट, सॉरी रूट तो है ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज होते हैं, इससे ज़्यादा हमें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी इसमें। रूट्स विदाउट रूट्स वाली बात होती है, तो क्या होगा अपने पास 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ यूज करेंगे 1/2a, एक मतलब 1/√2 log 1/√2 प्लस एक्स, सॉरी एक्स यहाँ v 1/√2 माइनस v इक्वल टू log x प्लस log c। कितना हो गया √2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, अपॉन 4 log 1 प्लस √2 v 1 माइनस √2 v इक्वल टू log x c। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लॉग को उठाना है तो इसको पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप। v की वैल्यू भी रख सकते, पुट करनी इसमें कि v कितना होगा अपने पास, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी फाइनल आंसर ये सही है, v की वैल्यू
पुट कर देना बस इसमें कि लॉग रूट्स में कैंसिल नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा आप इसे कितना सोल्व कर सकते हो, 1/2 √2, क्योंकि ये √2 से कैंसिल हो गया। लॉग वी इक्वल टू क्या था, वाई अपॉन एक्स, तो क्या जाएगा एक्स प्लस √2 वाई, एक्स माइनस √2 वाई इक्वल टू लॉग एक्स सी, ठीक है, या लॉग एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। ध्यान रखना इसे भी लिखा जा सकता है लॉग एक्स प्लस सी। ठीक बेटा, इक्वेशन 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो बेटा ये क्वेश्चन CBSE में एग्जाम में आया हुआ है, dx/dy/dx साइन y/x प्लस x-y साइन y/x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना तो इसको पहले dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करो, dy/dx ट्रांसफ़र किया तो क्या गया, वाई साइन y/x - x साइन y/x। नॉर्मल किया है तो कितना आ जाएगा, कर सकता है ये y/x साइन y/x कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/sin y/x। फिर वही क्वेश्चन में सपोज करना है v = y/x, डिफरेंशियल्स क्या आ जाएगा इसका, dv/dx इक्वल टू v + x dv/dx, तो क्या आ गया v + x dv/dx इक्वल टू v - 1/sin v, v से v कैंसिल, क्या जाएगा dv के साथ sin v और dx/x - साइन, बोथ साइड इंटीग्रेशंस, साइन का इंटीग्रेशंस क्या होगा -cos v - log x + c, तो -cos y/x - log mod x + c। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और की बनती है, y1 की वैल्यू π/2, ये प्रूफ करना था, तो यहाँ क्या रखना है x की वैल्यू 1, तो देखो बेटा तो x = कितना 1, x = 1 रखने पर इस पर क्या आ जाएगा y = π/2, तो इसमें पुट किया तो क्या है cos π/2 x1 - log 1 + c, तो log 1 0 होता है, cos π/2 कितना होता है 0 + c, तो c = 0, c की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 0। अब c की वैल्यू अगेन इक्वेशन में पुट करने पर क्या जाएगा log x = cos
वाई अपॉन एक्स, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है, सी की वैल्यू जीरो रखते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई सॉरी डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। तो इसको सॉल्व किया तो क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो क्या जाएगा, ए की पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। फिर हम सपोज करेंगे लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी एंड डिफरेंशियल्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी वाई अपॉन सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स। जिसमें पुट किया तो क्या आगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स e की पावर v प्लस v, v से v कैंसिल, तो डी वी अपॉन e की पावर v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ लिखा जा सकता है e की पावर माइनस v डी वी अपॉन डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बोथ साइड, इंटीग्रेशन ए की पावर एंस वी डी वी लॉग सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसका तो माइनस ए की पावर माइनस ई वी लॉग एक्स प्लस सी। तो माइनस ए की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी, इसका सॉल्यूशन आ गया। और क्वेश्चन देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत से सॉल्व कर लिए, आप एक दो क्वेश्चन से और देख सकते हो होमोजेनियस के। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो पहले तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसफ़र किया, एक्स डी वाई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिए ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है ना। डी एक्स और डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या कंडीशन बनी, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म, तो वी इक्वल टू सपोज कर रहे हैं वी इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू वी एक्स। डिफरेंशियल्स क्या, डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन की इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, अपने पास जहाँ वाई था वहाँ पर हमने वी एक्स पुट कर दिया। अब देखो उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। एक्स कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या आ गया, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। अब दोनों क्वेश्चन में आपने देखा k
कि v से v कैंसिल, क्या आ गया डी वी अपॉन रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा बेटा एक बार रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, बोथ साइड इंटीग्रेशंस डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग के अंदर ये होता है, ये या आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई करा क्या जाएगा लॉग v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स से, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल, v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स से, v की वैल्यू y अपॉन x, एलसीएम लिया कितना आ जाएगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स से, तो क्योंकि वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है।